कृपा दान जग गुरु हे संसार ताप हरने करना मैं सब दुख हरो हे शरण जोग दे अले दीना नाथ मैं करो शरीर स्वस्थ खीण समय समरंत नानक राम दमोदर माधवे घट वसे चरनार विंद रसना जपे गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिए फिस दे गोपाल। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ बैठे आदरणीय महापुरुष और सत्संगी गुरमुख प्यारे माई भाई सारे गुरु साहब के पवित्र चरणों विखे आपो अपनी हाजरी लवाओ गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे पवित्र आत्मा श्री पूज चरण 108 संत बाबा दलेर सिंह जी महाराज जी दे आजाद दे विच सारे असी एकत्र होए हाँ। किन्ने वड़े वड़े भागां वाले हाँ जो इह जे महापुरशां दे अज उन्हां दे चरणां दे विच और आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे आपो अपनी हाजरी लाने वास्ते आए। ये हाजरी साड़ी ताही लगेगी जे मन करके और शरीर करके गुरु साहब के पवित्र चरणों विखे हाजरी लावांगे। ये ना होवे मन कितने होर फिरदा होवे शरीर पंडाल विच होवे मन करके और शरीर करके हाजरी लवावांगे ते साडी हाजरी उस काल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच लग जाएगी। जे असी इतना की समझिया कि साडे मान भरिए श्री मान पूजनीय महंत बाबा जगदेव सिंह जी महाराज जी ने सानू अज सद्दा पत्र भेजिया है अपने गुरदेव की सालाना वर्षी मनाने वास्ते असी उत्थे जाना है और इतनी ही हाजरी साड़ी लगेगी जे असी ये करके आवांगे कि अज आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे और महापुरशां दे चरणां दे विच अज अपनी हाजरी लाउणी मन करके जे असी हाजरी लवावांगे साडी हाजरी उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच लग जाएगी। मन विच सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास जे मन करके ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां दे नाल असी अपनी हाजरी लवावांगे ते साडी हाजरी उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच लग जाएगी ते साडा जीवन जिहड़ा उह सफल हो जाएगा। ते महापुरश जो दुनिया दे उत्ते आउंदे हो महापुरश परोपकार करन वास्ते आउंदे ने ते महापुरशां दा ते इतना परोपकार हुंदा है ते जो वचन भी कर देण ना ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਘੜੀਆ ਦੀ ਘੜੀਆ ਦੀ ਭਗਤਨ ਛੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਾਹਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
उस परमात्मा का अकाल पुरख का वाहेगुरू का सिमरन करना, उस अकाल पुरख के चरणों में आ करके अपनी श्रद्धा ते प्रेम ते प्यार ते सत्कार दे नाल हाजरी लाउणी, उस जीव की हाजरी उस अकाल पुरख वाहेगुरू के चरणों में लग जाती। तो महापुरुष का जो वचन करते हैं उन्हों का अटल है। कि एक शहर का राजा कोई औलाद नहीं, तो उसके घर औलाद ना होने के कारण उन्हें जितने भी पीर फकीर सब जिथे भी जिथे जा करके किसी ने दसिया वह जगह गया, वह जगह जा करके उसने जो भी उसकी पूजा प्रस्ता की, पर उसके घर औलाद ना हुई। किसी ने कहा कि राजन तो जो फलाने जगह है वो जगह जे किसे बच्चे दी अदोती पा देवे, किसे बच्चे नू पेटा कर देवे, तो वो बच्चा दे पेटा होण ते बलि देण दे उपर आवाज दे विच केरे कर जरूर बालक पैदा हो जाएगा। तो उसने कहा मैं किसी का बच्चा कतल करके मैं अपने घर औलाद पाला ठीक नहीं। पर जेड़े लोग होंदे आ ना ये सलाह देने वाले कहते हैं कि जे किसी ने कोई चंगा काम करना हो ना बलम पापम बलम धर्म कहते पाप करने वेले इंसान जेड़ा जीव आ देरी नहीं लाउंदा, और पुन करना होवे धर्म करना होवे ओह देरी ला दूगा। जे पाप करना होवे किसे कोलो नहीं पुछदा, उल्ट करदे ने। पर कहते जे पाप करना होवे उस वक्त चंगी सलाह ले ले, कोई सलाह ही देगा बई ये काम चंगा नहीं, यह करना ठीक नहीं। जे असी किते पाठ ही करवाना होवे पहला घरदिया ना सलाह करते हैं, रिश्तेदार ना सलाह करते हैं, भाई साहब तो पूछ जाते हैं कि जी असी पाठ करवाना दसो थानू कदों टाइम मिलेगा। तो चंगा नेक कम करना है, और जे पाप करना है बुरा कर्म करना है उदो किसी की सलाह नहीं लेनी। तो रहो विचार, सलाह देन वाले कोई सलाह देते है कि राजन तो यह बच्चा कोई मुल खरीदना, जे मुल खरीद करके उस नूं तू भेटा चढ़ा देवे ते कोई हर्ज नहीं। कहण लगा ठीक। तो उसने शहर विच ढंडोरा फेर दिता। जिस वक्त शहर दे विच ढंडोरा फेर दिता तो एक गरीब लड़का जो हर रोज नेता प्रति गुरुद्वारा साहब महापुरशां दे चरणां विच जांदा है, नमस्कार करदा, मत्था टेकदा, सेवा करदा, शामां पैंदियां अपने घर आ जांदा है। जो भी चीज मिलदी है, झाड़ू की सेवा मिलती है, बर्तना की सेवा मिलती है, वह करता है, तो शामां पैंदियां अपने घर आ जांदा है। प्रशादा पानी घरों आ के छकता, और उहदे जो माता पिता वो बड़े गरीब है, उन्होंने सोचा कि नाले तो राजे का कम बन जाए, नाले साडा कम सर जाएगा, इस करके होवे ना तो असीं अपने बच्चे नूं बेच दईए। उन्होंने अपना बच्चा बेच दिता। अज बच्चा अमृत वेले उठ करके उस परमात्मा दे अकाल पुरख दे वाहेगुरु दे चरणां च गुरुद्वारा साहब आया, मत्था टेकिया, नमस्कार कीती, सेवा कीती, शामा पै गईआं महापुरशां दे चरणां विच मत्था टेक के कहण लगा महापुरशो आग्या दिओ मैं घर चलिया जावां। तां महापुरश कहण लगे बेटा तैनूं राजा बना दईए। तो हस के कहन लगा महापुरशो रोटी का फिक्र है, जे शामा दी रोटी मिल गई सुबह दी रोटी का फिक्र है, जे सुबह मिल गई तो शाम दी रोटी का फिक्र है राजा। तो महापुरशा ने कहा ने बेटा तेनू राजा बना दी। तो बच्चा नमस्कार करके मत्था टेक के अपने घर आ गया। अज
माता ने बड़े प्रेम ते सत्कार दे नाल बेड़ा डाया और क्या ला बेटा हाथ मुंह धोला प्रसाद छकला। बच्चा सोचता है अगे माता ने किते नहीं कहा जितो प्रसादा किते आप चक के खा लिया जा किते देता था खा लिया। अज माता बड़े प्रेम ते सत्कार दे नाल कह रही है बेटा तू मुंह हाथ धोला प्रसादा छकला की गल है। बच्चा चुप कर गया। प्रसाद छकन लगा है तो इन्ने नो राजे दे जेड़े अहंकार सी वो आ गए बच्चे नो लैण वास्ते वो बच्चे वल तक रहे हैं ते बच्चा कहन लगा माता जी ये कौन लोग है जो मेरे वल तक रहे हैं। कहन लगी बेटा कोई नहीं तू प्रसाद छकन। कहन लगा नहीं माता जी ता भी दसो ता सही बेटा तेनू पता है ना अपने जेड़ा शहर दा राजा है उदे कर कोई औलाद नहीं उदे कर कोई औलाद नहीं। तो बच्चा समझ गया क्योंकि शहर दे विच बुनियादी होई होई सी वे जे किसी ने बच्चा बेचना है तो अपना बच्चा बेच देवे जितनी कोई कीमत मांगेगा उतनी दे देंगे। वो बच्चे ने भी सुनी है सब ने सुनी है तो कहन लगा माता जी फिर तुसी मैनू बेचता नहीं दिता। कहन लगे हां बेटा असी तैनू बेच दिता। क्यों करके बेचता बेटा तैनू पता है ना असी बड़े गरीब हैं तेरे दूसरे भरा सारी दिहाड़ी जंगल विच जांदे आ लकड़ां कट के लियांदे आ और जो भी वो बट के लियांदे आ उहदा सीधा पता लियांदे आ असी उह सीधा पता लैके आउंदे आ उहदा प्रसाद तैयार करदे आ छक लैंदे आ। सानू इतना है कि शाम दी रोटी मिल गई ते सुबह दी रोटी दा फिक्र इस करके असां ने सोचिया भी तू बिल है गुरुद्वारा साहब चलिया जाना सारी दिहाड़ी उत्थे रहना ते शामा पैंदी है घरे आ जाना रोटी प्रसादा पानी लीला कपड़ा साढ़े कोलो लैना ते असी क्या नाले तां साडा कम सर जावे नाले राजे दा कम सर जावे। तो कहन लगा माता जी मैं अज तो तुहाडे कोलों प्रसादा नहीं छकूंगा कपड़ा नहीं ग्रहण करूंगा पर तुसी मैनूं बेचो। तो माता कहन लगी बेटा फिर जे तू गुरु सवा गुरु द्वारे जाकर के तैनूं कोई सोझी नहीं आई ते जे कोई बचन करके खिसक जावे तो फिर उसका की तेरे माता पिता ने बचन कर दिता बचन करे ते खिसक जाए जेड़ा के बचन करके खिसक जावे उहदा की असी बचन करके खिसक जाइए मुकर जाइए तो की होएगा। कहन लगा ठीक है माता जे तुसी बचन कीता है मेरे माता पिता ने बचन कर दिता जेड़ा आज्ञाकारी बच्चा ना अपने मां बाप दा ओदी आज्ञा विच रहिंदा है वो जो भी माता पिता कह देवे ओनू सच करके मनदा है। कहन लगा ठीक चलो भाई गुरमुखो मैं तुहाडे नाल जाण नूं तैयार हां। चलिया गया जिस वक्त तो चलिया गया कहन लगे लो जी लेके आदा। कहन लगे ठीक है भाई आपां सवेरे इहदी बलि दे देनी तो उसकी बलि देण वास्ते सारी समगरी तैयार हो गई तो राजा और राणी आउण दी हले तैयारी है तो बच्चा अपनी खेड खेड रहा की खेड रहा उहने ढेरी बनाई उस ढेरी दे उपर हथ धरिया कुछ पढ़िया उह ढेरी ढा दित्ती ते दूसरी ढेरी दे उपर हथ धरिया उस ते कुछ पढ़िया उह भी ढा दित्ती तीसरी ढेरी दे उपर हथ धरिया कुछ पढ़िया उह भी ढा दित्ती हुण चौथी ढेरी दे उपर हथ धर के की पढ़दा है। इक तकिया आसरा तेरा होर सबे ढाइया ढेरिया एक वो परमात्मा दा अकाल पुरख वाहेगुरु नू इह कह रहा है कि मैं तेरा आसरा तकिया है होर सारिया ढेरिया ढा दित्ती। राजा आ गया
राजा देख रहे हैं कि एक बच्चे नो पता हो गए कि मैं थोड़ी देर नो मैंने कत्ल कर देना है, क्योंकि जेड़ा इंसान जेड़ा जीव इस मात लोक दे ऊपर आया है, एक दिन उसने जाना ही जाना है। एक शहर ने बड़ा सुंदर लिखा है, अगाहे ऐस मौत का बसर नहीं, समान सौ वर्ष का पल की खबर नहीं, चले जाना है। इनू पता है कि मैंने थोड़ी देर में इस दुनिया तो मैं चले जाना है, कत्ल कर देना, पर ये अपनी खेड खेड रहा है। तो राजा पूछन लगा, बेटा तू ये की कर रहे हैं? कहन लगा, राजन तू अपना कर, मैं अपना काम करता है। कहन लगा, तामी दस्ता सही। कहिंदा राजन, जो पहली ढेरी बनाई सी ये मेरे माता पिता दी सी, और जड़ी दूसरी ढेरी बनाई सी ओ पिंड दे नगर नवासियां दी हुंदी है, साथ संगत दी हुंदी है। पहला आसरा जड़ा सी मेरे माता पिता सी, ओना ने अपनी गर्द वास्ते मैनू बेच दिता। दूसरी ढेरी जेड़ी ओ भाई प्रजा की कर सकती है, ओना दा भी आसरा छड़ दिता। जे पिंड दी कोई पंचायत जां होर कुछ ना करे, फिर दरबारे सरकारे जाके कुंडा खड़काउणा पैंदा है। तो राजन, ये जड़ी तीसरी ढेरी सी ये तेरी सी, तू तो आप खुद कर रहा है, मैं ये भी ढा दित्ती। हुण आ चौथी ढेरी जड़ी है ये परमात्मा दी, अकाल पुरख दी है, प्रभ पावे विरसास तेरा। जे प्रभु नूं पौंदा होएगा ना ते राजन तो मैनूं कतल नहीं कर सकदा, ते जे प्रभु नूं इसे तरह ही पौंदा होएगा तो मैनूं वश कतल कर देना है, मैनूं कोई हरख नहीं, सोग नहीं, कुछ नहीं। राजा कहन लगा, एह जे बच्चे नूं मैं कतल कर देवा ते मैनूं नहीं उम्मीद के मेरे घरे औलाद पैदा होएगी, जे हो भी गई पता नहीं पुत होएगा कि कुपुत होएगा, इस करके मैं इहनूं खरीद के अपना पुत बना लिया। कहन लगा भी जिहड़ी इह समगरी इह सारी इसनूं दरिया विच रोल दिओ ते चलो चल के राज तिलक दी जिहड़ी समगरी आ उह इकट्ठी करो, मैं बच्चे नूं अपना पुत्र बना लिया, मैं इहनूं राजा बना देना है। राजा बना के तिलक ला के इहनूं राजा बना देना। तो आ गया राजा बन गया। जिस वक्त राजा बन गया उस वक्त उहनूं चेता आया कि महापुरशां ने वचन कीता सी, के महापुरशां ने वचन ये कीता सी कि बेटा तैनूं राजा बना दिए, तो मैं उहनां दी वचनां दे नाल राजा बन रहा हां। सो कहन लगा, राजन एक बारी मैनूं महापुरशां दे चरणां विच लै जाओ। महापुरशां दे चरणां विच लिजा के मत्था टेकिया, महापुरशां नूं कहा, महापुरशो ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕੀ? ਕਿ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਬਿੰਤੁਦ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹ, ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।